हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरहदी बाड़मेर शुक्रवार की सुबह बर्फीली हवा, घने कोहरे और धुंध के साथ इलाका शीतलहार की चपेट में नजर आया। लगातार दूसरे दिन इलाके में सूरज नहीं निकलने के आसार सुबह से ही बनते नजर आ रहे हैं। हल्की धुंध के बाद शुक्रवार सुबह से ही सरहदी बाड़मेर का पूरा इलाका कोहरे की चादरों में लिपटा रहा। वहीं शीतल हवाओं से उत्पन्न ठिठुरन से इलाके के लोग सिहरते रहे। कोहरे के अल सुबह से ही छाए रहने से दिन में ही रात सा मंजर दिखा। कोहरे की वजह से शहर ही नहीं, विभिन्न स्टेट और नेशनल हाईवे पर वाहनों का परिचालन प्रभावित हुआ। इधर जिले में एक माह से अधिक समय से शीतलहार का कहर जारी है, लेकिन पिछले दो दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इधर शुक्रवार को सुबह से ही इलाके घने कोहरे की चपेट में रहा। कोहरे के चलते सड़क पर वाहनों का परिचालन बाधित रहा। विद्यालय जाने वाले बच्चों को कोहरे की वजह से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शुक्रवार की बाड़मेर शहर में तेज कोहरे की चादर बाड़मेर थार नगरी में जिला मुख्यालय व ग्रामीणों क्षेत्रों में दूर तलक कोहरा छाया नजर आया। शहर की सड़कों पर दुपहिया वाहनों बड़े वाहनों को दिन में लाइटों को दिखाकर आगे गुजरते नजर आए। बाड़मेर शहर ओवर ब्रिज से नजारा देखे पूरा शहर कोहरा छाया हुआ नजर आया। बाड़मेर शहर के पहाड़ व मंदिर दोपहर तक कोहरे के चलते नजर नहीं आ रहे थे। बाड़मेर शहर में शुक्रवार को पंजाब, दिल्ली और कश्मीर जैसा कोहरा बाड़मेर देखने मिल रहा था। लोग शहर की सड़कों अलाप तापते नजर आए। बाड़मेर शहर में कुछ दिनों से मौसम में बदलाव आ रहा, सर्दी व कोहरा बढ़ते देखकर लोग दोपहर तक गर्म कपड़ों से पहने नजर आए। महिलाएं अपने नन्हे मासूमों को सर्दी बचाव करती नजर आई। मौसम विभाग की माने तो कुछ दिन और ऐसा सर्दी व कोहरा छाया रहेगा। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकराराम मेघवाल की रिपोर्ट।